औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स के नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं ताहिर महमूद। हमारे पास मैक्सवेल रिलेशन का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर दो रिलेशंस निकाले थे, फर्स्ट और सेकंड। आइए हम थर्ड और फोर्थ की तरफ चलते हैं। जैसा कि इससे कबल भी बहस हुई है कि हर रिलेशन के लिए एक टाइप की एनर्जी निकालना पड़ती है। फर्स्ट के लिए हमने इंटरनल एनर्जी निकाली, सेकंड के लिए हमने एंथैल्पी निकाली, बच्चे थर्ड के लिए हमें हेल्महोल्ट्ज़ होल्स फ्री एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद द सिंबल ऑफ एच। ये हेल्महोल्ट्ज़ होल्स फ्री एनर्जी है। अगर बाय फार्मूला देखें तो हेल्महोल्ट्ज़ होल्स एनर्जी बराबर है यू माइनस टी एस के। यू से मराद इंटरनल एनर्जी है, माइनस टी एस, टी फॉर टेम्परेचर एंड एस फॉर एंट्रॉपी। इन शॉर्ट, इंटरनल एनर्जी में से टी एस का प्रोडक्ट माइनस करें तो जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज हेल्महोल्ट्ज़ होल्स फ्री एनर्जी। आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये डिफरेंस है बिटवीन इंटरनल एनर्जी टू द प्रोडक्ट ऑफ टी एंड एस इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज़ होल्स फ्री एनर्जी। अगर बाय कॉन्सेप्ट इसको पढ़ना चाहते हैं तो ये बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी है that measure the useful work obtained from the thermodynamical system, यानी कि किसी भी thermodynamical system से हमें कितना work मिला है। Condition क्या है कि temperature और volume should remain constant. So at constant temperature and volume, किसी भी thermodynamical system से हमें कितना work मिला है, हमें कितनी energy मिली है, that is known as Helmholtz free energy. अब हम F is equal to U minus TS, ये इसका बेसिक फार्मूला है। अगर हम इसका डिफरेंशियल लेंगे तो DF आ जाएगा, D की जगह U की जगह पे DU आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंशियल लें प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करते हुए, तो पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट, क्योंकि बाहर माइनस था अंदर वाली रकम भी माइनस हो जाएगी, तो दूसरा एज इट और फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब हमारे पास डेल U की वैल्यू इससे कबल है निकाली हुई है। हमारे पास डेल U बराबर होता है TDS माइनस PdV। अब इस डेल यू की वैल्यू इस फार्मूले के अंदर जब रखेंगे तो हमारे पास रिलेशन हो जाएगा टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब ये वाली माइनस टी डी एस और ये वाली प्लस टी डी एस, ये दोनों रकमें कट गई, हमारे पास आंसर आया डी एफ इज इक्वल टू माइनस पी डी वी इन माइनस एस इन टू डी टी। अब हम इसकी मदद से मैक्सवेल थर्ड रिलेशन निकालेंगे। अब हमारे पास जो वेरिएबल है वो है एफ। हम कहते हैं जी एफ डिपेंड करता है वॉल्यूम पे और टेम्परेचर पे। देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। सो एफ इज इक्वल टू एफ इनटू वी और टी। अगेन बच्चे डेरिवेटिव लें, डिफरेंशियल लें, जो इससे कबल है हमने जी वाली एग्जाम्पल में लिया था। तो इसमें F का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू V और साथ dV लिख देंगे। सिमिलरली F का डेरिवेटिव लें, डिफरेंशियल लें विद रिस्पेक्ट टू T और साथ dT लिख देंगे। अगर वॉल्यूम इधर आया हुआ है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, अगर टेम्परेचर आया हुआ है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। अब इस मसावात को, जो स्टैंडर्ड पीछे हमने मसावात निकाली थी, इसका इसके साथ कंपेरिजन करें, तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास ये dV है, ये dV है, इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास माइनस पी बराबर है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वी के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सिमिलरली इन दोनों को कंपेयर करें तो माइनस एस बराबर है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये हमारे पास दो रिलेशन आ गए हैं। अब इस मसावात के बारे में कहेंगे कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन है अगर माइनस पी का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू डी टी, यानी कि पी हमारे पास फर्स्ट है और एस हमारे पास सेकंड है, यानी कि इसका फर्स्ट का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू सेकंड और सेकंड का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये देखें, प्रेशर का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और एंट्रॉपी का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो ये दोनों बराबर होंगे तो देन ये इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। अब ये वाला माइनस इस माइनस के साथ कट भी सकता है, जब ये कट जाएगा तो हमारे पास ये वाला मनफी इस मनफी के साथ कटने के बाद ये आंसर आ गया। चनाचे ये थर्ड मैक्सवेल रिलेशन है, पार्शियल पी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू पार्शियल एस ओवर पार्शियल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो ये
मैक्सवेल की तीसरी इक्वेशन कहलाती है। आइए मैक्सवेल के चौथे रिलेशन और आखिरी रिलेशन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें जरूरत पड़ती है गिब्स फ्री एनर्जी की। गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है जी से, कैपिटल जी से, और ये बराबर होती है एंथैल्पी माइनस टी एस, टी फॉर टेम्परेचर एंड एस फॉर एंट्रोपी। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी को अगर हासिल करना चाहते हैं तो एंट्रोपी में से प्रोडक्ट ऑफ टी और एस माइनस कर दें, तो जो आंसर आएगा दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। सिमिलरली अगर हम इसको बाय डेफिनेशन, बाय कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं, तो इसका इसकी डेफिनेशन कुछ यूं बनेगी, इट इज एन अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेल टू डू द नॉन पीवी वर्क। एक हमारे पास होता है पीवी वर्क जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम को लिया जाता है, एक होता है नॉन पीवी जिसमें हम प्रेशर और सॉरी टेम्परेचर और एंट्रोपी को लेंगे। इस सेंस में हम इसको यूं लिख सकते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास नॉन पीवी वर्क के अंदर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी। सो इट इज एन अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेल टू डू द नॉन पीवी वर्क थर्मोडाइनमिकल सिस्टम अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये इसका बेसिक फार्मूला, जी बराबर होता है एच माइनस टी एस के। अगर इसका डिफरेंशियल लें तो ये आ जाएगा, इसका अगेन बच्चे प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करें डेरिवेशन का, तो पहला एज इट और सेकंड का डेरिवेटिव और सेकंड एज इट और फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब हमारे पास टी ए डी एच एंथैल्पी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास थी, वो वैल्यू इससे कबल हमने ये निकाली थी। अब इस एंथैल्पी को जब यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास ये मसावात बन जाएगी, इसमें माइनस टी डी एस और प्लस टी डी एस ये दोनों कट जाएंगी। अब हमारे पास डी जी बराबर है वी इंटू पी माइनस एस इंटू डी टी, ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा अब गिब्स फ्री एनर्जी का। अब इसी गिब्स फ्री एनर्जी से हम मैक्सवेल का चौथा रिलेशन निकालेंगे, वो ये है कि हमारे पास अब गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन है किसका, प्रेशर और टेम्परेचर का। ये देखिए हमने नॉन पीवी के लिए लिखा था कि प्रेशर और टेम्परेचर, अब गिब्स फ्री एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगेन इसका डेरिवेटिव ले, मैं आपके सामने एक दफा इसको करके भी दिखा देता हूं कि जिसमें जी इज अ फंक्शन ऑफ पी एंड टी। इसमें देखिए अब अगर हम इसका डिफरेंशियल लेंगे, टेकिंग डिफरेंशियल, तो हमारे पास डी जी बराबर आ जाएगा जी का पार्शियल लें विद रिस्पेक्ट टू पी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस जी का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टी इंटू डी टी आ गया। अगर इधर प्रेशर है तो फिर इधर टी आ जाएगा और इधर टी है तो फिर इधर पी आ जाएगा। अब ये हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन का डिफरेंशियल है। अब हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी का जो बेसिक फार्मूला था डी जी इज इक्वल टू वी इंटू डी पी माइनस एस इंटू डी टी, ये हमने ये जो इससे कबल निकाला हुआ है ये फार्मूला है। अब इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का अगर आप कंपेयर करें, कंपैरिजन करें, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन, इसको बेशक वन का नाम दे लें, टू का नाम दे लें, वन और टू को जब हम कंपेयर करेंगे तो देखें वी ये डी पी है, ये डी पी है, इट मीन के वी की वैल्यू फिर क्या निकलेगी, पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जबकि माइनस एस की वैल्यू क्या निकलेगी, पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। देखिए बच्चे इसको इसके साथ रिलेट किया है और माइनस एस को इसके साथ रिलेट किया है, तो ये हमारे पास आ गया। अब अगेन इसके बारे में कमेंट करेंगे कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट होगी, इक्वेशन टू इज एग्जैक्ट इफ, अब ये मसावात एग्जैक्ट होगी, शर्त ये है कि अगर v का डेरिवेटिव लें, डिफरेंशियल लें विद रिस्पेक्ट टू t, देखिए पार्शियल v ओवर पार्शियल t बराबर होएगा माइनस s, यानी कि s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p। अगर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से लिया है तो फिर प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर के रिस्पेक्ट से लिए तो t टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अगेन v का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू t और माइनस s का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू p,
एट कॉन्स्टेंट, यहाँ पे प्रेशर होना चाहिए और यहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये जो हमारे पास मसवा था सुलुई है ना, दिस इज नोन एज फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, ये बच्चे चारों रिलेशन थे जिनको हमने दो लेक्चर्स के अंदर पढ़ा। मज़ीद इंशाल्लाह सुनिएगा, आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफिज़।